भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का बचा हुआ एक मुकाबला 1 जुलाई से खेला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल हुई टेस्ट सीरीज में आखिरी मुकाबला कोविड के चलते रद्द हो गया था और इस मुकाबले को अब 1 जुलाई से करवाया जाएगा। इस मुकाबले और इस सीरीज की बात करें तो भारत ने अब तक 4 टेस्ट मैच में 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल की है। 1 मुकाबला ड्रॉ रहा तो 1 इंग्लैंड के नाम रहा और भारत इस वक्त सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है। लेकिन सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, वहीं इंग्लैंड के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच इस वक्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के बचे हुए 3rd टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टीम का हिस्सा नहीं है और इसके पीछे उनकी चोट बड़ा कारण है। दरअसल आपको बता दें कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 3rd टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं और इस बात की खुद जानकारी दी है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने बताया है कि जिमी एंडरसन यानी कि जेम्स एंडरसन इस वक्त चोटिल हैं और उनके टखने में चोट है और इस वजह से वह टीम का हिस्सा नहीं है और हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह टीम का हिस्सा नहीं है। और साथ ही बेन स्टोक्स ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है कि भारत के खिलाफ भी शायद वह टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हो। बेन स्टोक्स ने कहा कि भारत के खिलाफ हमें एक बहुत बड़ा मैच खेलना है और शायद अभी यह कंफर्म नहीं है कि जेम्स एंडरसन उस मैच में भी इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हो और वह टीम का साथ दें। बेन स्टोक्स ने कहा कि जेम्स एंडरसन की चोट कितनी गंभीर है इस बारे में अभी साफ कहना मुश्किल है, लेकिन वह भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे यह अभी कहना बेहद मुश्किल है और शायद वह टीम का हिस्सा ना हो। आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन का प्रदर्शन भारत के खिलाफ शानदार रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ इंग्लैंड में घातक गेंदबाजी की है। अगर रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो वह अब तक भारत के खिलाफ इंग्लैंड में इंग्लैंड की तरफ से 21 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जहां उनके नाम 99 विकेट हैं। उन्होंने भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे तमाम बल्लेबाजों को परेशान किया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो जेम्स एंडरसन टेस्ट के इतिहास में 650 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं और वह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में नंबर 3 पर हैं। उनसे ज़्यादा स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ने विकेट चटकाए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।